गाइस सर मैंने सुना है यहाँ पर कोई चैलेंज हो रहा है और वो चैलेंज बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसलिए मैं उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने आ चुका हूँ। थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो खाना वाना आ जाएगा, बर्गर वर्गर मैं खा लूंगा। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग खड़े, लगता है ये इनका बॉस है। हेलो सर, मैं भी चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। क्या तुम भी चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है फ्रैंकलिन और मैं सारे चैलेंजेस जीत जाऊंगा। बच्चे तुमको पता है ना, ये चैलेंजेस बहुत खतरनाक है और इनके जो प्राइजेस है वो तो और भी खतरनाक है। क्या ऐसा क्या प्राइज है? बच्चे इसमें 3 चैलेंजेस और 3 प्राइजेस होने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंज साइकिल रेस, अगर तुम साइकिल रेस जीते तो तुम्हें मिलेगा एक खतरनाक सा ट्री हाउस। ये ट्री हाउस बहुत ही बढ़िया है। क्या अगर मैं साइकिल रेस जीतूंगा तो मुझे ट्री हाउस मिलेगा? हाँ बच्चे, और सेकंड चैलेंज अगर तुमने जीता तो तुम्हें मिलेगा ये खतरनाक सा मेंशन। अरे काइजर, इनके चैलेंजेस तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने सोचा थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, पर ये तो मेंशन बांट रहे हैं यहाँ पर। और लास्ट, और अगर थर्ड चैलेंज जीता तो? अगर तुम थर्ड चैलेंज जीते तो तुम्हें उड़ता हुआ मेंशन मिलेगा, फ्लाइंग मेंशन। क्या फ्लाइंग मेंशन? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइकिल रेस होगी, उसमें जीते तो सेकंड चैलेंज में, और अगर सेकंड चैलेंज जीते तो थर्ड चैलेंज में जाओगे, और अगर वो जीत गए तो तीनों के तीनों घर तुम्हारे। अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी से रेस शुरू करो। और कैसा, अभी हमारी यहाँ पर रेस स्टार्ट होने वाली है। 3, 2, 1 गो। तो आप अभी देख सकते हो रेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है उस खतरनाक से ट्री हाउस के लिए। ये सारे साइकिल वाले लोग अपनी साइकिल को भगाएंगे उस ट्री हाउस को जीतने के लिए। तो फटाफट से अपन भी भगाते हैं, क्योंकि मुझे वो ट्री हाउस कैसे भी करके जीतना है। मेरे आगे अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे इन सबसे आगे जाना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं एक खतरनाक सी साइकिल रेस जीत जाऊं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट लिखना मत भूलना गुड लक फ्रैंकलिन। आपके गुड लक से मैं ये चैलेंज जल्दी से जल्दी जीत जाऊंगा। अभी मैं चल रहा हूं 4th नंबर पर, अब मुझे 3rd नंबर पे जाना चाहिए। और ये 3rd पर भी मैं आ गया, भागो भागो भागो, जल्दी साइकिल को चलाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं 2nd पर यहां पर आ चुका हूं, और वो मेरे आगे जो चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा आगे है, मुझे उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। रुक जा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, जल्दी जल्दी भगाते हैं। तो गाइस मुझे रेस, और ये क्या, ये तो गिर गया, ये तो बहुत ही खतरनाक। गाइस अभी मैं 1st में आ चुका हूं, क्योंकि हमारा 1st नंबर वाला बंदा गिर चुका है और अभी मैं 1st पर चल रहा हूं। ये 2nd वाला मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज चल रहा है, पर आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी जीत करेंगे, क्योंकि आप सभी को बस वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतनी ज्यादा मैं अपनी पावर डालूंगा इस साइकिल को चलाने में। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो ताकि हम ये रेस जल्दी जल्दी जीत जाए। भगाओ भगाओ भगाओ, फुल स्पीड में साइकिल चलाएंगे, मेरे पीछे सारे के सारे लोग आ रहे, मुझे कैसे भी करके इसको जीतना ही पड़ेगा। जल्दी 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 चलो, मुझे वो ट्री हाउस जीतना है, तो अपना पूरा का पूरा दम लगाना पड़ेगा। भगाओ भगाओ भगाओ, अभी मैं 1st पे चल रहा हूं और ये लोग मेरे सही में बहुत ही ज्यादा पास है, तो मुझे रुकना नहीं है। एक बार भी अगर मैं रुका तो मैं बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाऊंगा। तो बस साइकिल तेज तेज पैडल मारते रहो, ये सारे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। रुक जा, मैं जीतूंगा, मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा। अरे ऐसे कैसे तू जीतेगा? जीतूंगा तो मैं ही। फटाफट से अपनी साइकिल को भगाते हैं, ये रेस कितनी ज्यादा बड़ी है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इस रेस को कंप्लीट, ताकि हम जल्दी से जीत जाए वो खतरनाक सा ट्री हाउस। तो गाइस अब ये सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और हम सबसे आगे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, बस हेलीकॉप्टर हमारे पीछे पीछे आ रहा है, और ये फिनिशिंग लाइन पे हम पहुंच गए। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने 1st फिनिश किया है और वो ट्री हाउस हुआ तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसर अभी हमने सबसे पहला चैलेंज और वो खतरनाक सा ट्री हाउस जीत चुके हैं। बच्चे अगले चैलेंज पर मिलते हैं। हाँ अगले चैलेंज पर मिलते हैं, उससे पहले मैं अपना ट्री हाउस देखने जाने वाला हूँ, तो फटाफट से चलते अपना ट्री हाउस देखते हैं। तो कैसर अभी हम आ चुके हैं अपने ट्री हाउस पर, और ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े ट्री पर है। चलो फटाफट से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारे ट्री हाउस में क्या क्या है। कैसर क्या आप कभी ट्री हाउस में गए हो? तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं तो पहली बार जाने वाला हूँ। और इस ट्री हाउस का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि ट्री हाउस तो नाम अच्छा नहीं लगता ना, कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो कुछ आप नाम के सजेशन भी कमेंट में बता देना, और इसमें चढ़ना कितना मुश्किल है, कितनी देर लगेगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इस खतरनाक से ट्री हाउस में, और यहाँ पे अंदर कुछ तो बड़ी सी टीवी लगी हुई है, इधर पानी, इधर लाइट का कनेक्शन कैसे आएगा। और यहाँ पर हमारा बढ़िया सा किचन जहाँ पर आग लगी है, और कुछ तो खाना वाना बन रहा है, लगता है कोई हमारे लिए खाना बना रहा है। और देखते हैं हमारे ट्री हाउस में क्या,
है, यहाँ पर तिजोरी है और यहाँ पर कितना सारा कैश भी पड़ा है, और यहाँ पर अपना बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पर भी एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, बढ़िया सी विंडो भी है। ये ट्री हाउस सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये क्या, यहाँ पर तो ये दीदी बैठी है और यहाँ पर बैठ के हम फुल मजे कर सकते हैं, लॉस सैंटोस के बीच के मजे ले सकते हैं। और अब ये खत्म नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ पर अपने गार्डन में बड़ी सी टीवी लगी हुई है, यहाँ पर टीवी देख सकते हैं, सोलर पैनल लगे हुए, मतलब लाइट का तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और यहाँ पर भी ये दीदी सो रही है। तो गाइस ये ट्री हाउस तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसका नाम हम क्या रखें फटाफट से कमेंट करके बता देना। और अब हम जाने वाले अपने अगले चैलेंज और अगला मेंशन जीतने, चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस सर अभी हम आ गए अपना अगला मेंशन जीतने के लिए, और यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये चारों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आओ फ्रैंकलिन, तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। अगर तुम्हें जीतना एक बड़ा सा मेंशन तो तुम्हें एक WWE की केज फाइट में जाना पड़ेगा। केज फाइट? हाँ, WWE की रिंग चारों तरफ से बंद होगी, तुम उसमें लड़ोगे और जो भी केज के ऊपर चढ़ के बाहर निकलेगा वो जीतेगा वो खतरनाक सा मेंशन। तो तुम्हें अपना फाइटर चूज करना है, क्या बनना चाहोगे तुम? केज फाइट के लिए क्या चूज करना चाहिए? पहली बात तो ये रिकेशी मोटा ये कौन से कपड़े पहन गया है, और यहाँ पर बस अंडरटेकर, गोल्डबर्ग और केन है, तो इन चारों में से क्या लिया जाए? रिकेशी तो मैं लेने नहीं वाला, ये मोटा सा मुझे चाहिए नहीं। अंडरटेकर, गोल्डबर्ग या फिर केन। गोल्डबर्ग थोड़ा बूढ़ा हो चुका है और अंडरटेकर ये डरावना है, मैं तो केन लूंगा। मैंने चूज कर लिया केन। बहुत बढ़िया, तो तुम खेलोगे केन से और तुम्हारा अपोनेंट है, अरे जल्दी बताओ ना, अंडरटेकर। क्या अंडरटेकर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बच्चे। अरे ये अंडरटेकर से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता था, इसलिए तो मैंने इसको चूज नहीं किया, अब ये मेरा अपोनेंट बन गया। चलो फिर शुरू करते हैं केज फाइट उस खतरनाक से मेंशन के लिए, क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। अंडरटेकर तू मरेगा। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम फाइनली आ चुके केन वर्सेस द अंडरटेकर में। केन में अंडरटेकर है सामने, हमें इसको कैसे भी करके हराना है अगर हमें वो खतरनाक सा मेंशन चाहिए तो। तो सबसे पहले देखते हैं कौन आने वाला है, किसकी एंट्री होगी। और द केन यानी मैं, यहाँ पर देख सकते हो आग लग चुकी है सारे के सारे स्टेडियम्स में, क्योंकि केन आ चुका है। सारे के सारे लोग पागल हो चुके हैं जैसे ही मेरी यहाँ पर एंट्री हुई है। अब बारी उस पागल की, ये अंधेरा करके आता है, इसकी एंट्री कट कर देते हैं। तो गाइस सारे के सारे लोग एक्साइटेड है इस फाइट को देखने के लिए, अंडरटेकर वर्सेस द केन, लेट्स गो। यहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी है, ये खतरनाक सी स्टील केज फाइट। इसमें हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा और इधर से बाहर निकलना पड़ेगा, अभी नहीं निकल सकते क्योंकि अभी तो बाकी है, अभी हमें इसको मारना है। इस अंडरटेकर को मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला, वो मेंशन तो मेरा ही होके रहेगा। अंडरटेकर आजा। अरे सही में आ गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तुझे लगता है तू मुझे आसानी से मार लेगा? अंडरटेकर हूँ मैं, कोई चलता फिरता कबूतर नहीं। तू चलता फिरता कबूतर नहीं है पर मैं तुझे बना जरूर दूंगा। अरे कैसा, ये तो मारते ही जा रहे। अरे एक बार मौका तो दे, रुक जा, निकल यहाँ से और बूम। तो काइजर अंडरटेकर ने मुझे मारा पर अब मैं इसको मारूंगा। ये ले। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो? अरे क्या चीटिंग कर रहे हो, तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले। तो काइजर इस अंडरटेकर की बारा तो हम बजा के रहेंगे। तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो केन ओपी, ताकि हम ये फाइट जल्दी से जल्दी जीत जाए। और क्या ही रिवर्स किया है मैंने, ये एक मुक्का, ये दो मुक्का और ये ले, मेरे को ही मार दिया। तेरी तो ऐसे की तैसी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला केन के बच्चे, वो मेंशन मेरा होके रहेगा। अरे नहीं नहीं गाइसर, इसको मेंशन वो दे नहीं सकते, वो मेंशन कैसे भी करके मुझे चाहिए, तेरी तो ये, निकल यहाँ से। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ चुका है, अब मैं इस अंडरटेकर के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये ले, मेरी थोड़ी कमर पे लग गई पर कोई बात नहीं, हम इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये ले, टॉप रोप से कूद के हमने इसकी हालत खराब कर दी है। अरे जल्दी जल्दी उठ जा, आज मैं तुझे खत्म करके रहूंगा। अरे कैसर मैं इसको इतना मार करो, मैं तो भूल ही गया था हमें तो ऊपर जाना है। तो फटाफट से ऊपर जाने की तैयारी करते हैं, जहां पर हमें ऐसे जाना है और जल्दी जल्दी चढ़ जाना है ऊपर। और कैसर हम तो बस चढ़ने वाले हैं, और ये मैं चढ़ गया। नहीं नहीं,
अरे क्या नहीं, आजा आजा पकड़ के दिखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अबे इधर आ चिकिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहे, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो गया? अरे कैसे, इससे तो मुझे नीचे खींच गया। मुझे लगा ये ऊपर से नीचे नहीं गिरा सकता, पर इससे तो मुझे नीचे गिरा दिया। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से तू जीत जाएगा? इतनी जल्दी नहीं बच्चू। काइजर, इसको हमको फिनिशर देना पड़ेगा। जब तक हम फिनिशर नहीं देंगे ना, तब तक ये सोएगा नहीं ज्यादा देर के लिए। इस बार मैं कंप्लीट कर सकता था, पर यार मैं मेरे को लगा ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, पर इस बार हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, ये फिनिशर किधर है? अब तू सोता रहे और मैं जाऊंगा ऊपर। अरे ऐसे कैसे जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं जीत के रहूंगा बच्चे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही जीतूंगा। अरे ये क्या, फिर से मरेगा? नहीं, इसने तो मुझे फिनिशर दे दिया। अरे कैसर, इससे तो मेरी हालत खराब कर दी। ये क्या, 1 2 3 क्यों कर रहे हैं? निकल यहाँ से। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बच्चू ये हो सकता है और ये मैंने कर दिया। तो कैसर, या तो हमें 1 2 3 करना है या तो फिर ऊपर चढ़ना है। और ये केन का बच्चा और ये अंडरटेकर का बच्चा तो ऊपर जा रहा है। अरे केन उठ जा, जल्दी उठ जा, टाइम नहीं हमारे पास। तो कैसर, अंडरटेकर को हमने ऊपर जाने से तो रोक लिया, पर अब ये बिल्कुल नहीं बचने वाला। इस अंडरटेकर को आज मैं खत्म करके रहूंगा। अबे ये ले, तेरी तो ऐसी की तैसी, इसको हम देंगे सिग्नेचर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा आजा, मैं तुझे बताता हूँ कौन है असली सुपर हीरो। इसको भी यहाँ पर पकड़ेंगे। और कैसर अभी फिनिशर के लिए बिल्कुल तैयार है, अंडरटेकर को चोक स्लैम। चलो चलो, हमारा टाइम हो गया, ऊपर जाने का हमारा टाइम हो चुका है। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं। और इस बार मैं बिल्कुल नीचे नहीं आने वाला, नहीं मैं रुकने वाला हूँ, सीधा मैं जाने वाला हूँ ऊपर। बाय बाय अंडरटेकर, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। नहीं नहीं, बाय बाय। और गाइज़र, इसी के साथ हम अपने बाहर निकल चुके हैं केज से बस, और विनर है आज का केन। नहीं नहीं, अब तू नहीं नहीं करता रहे और मैं वो खतरनाक सा मेंशन जीत चुका हूँ। तो गाइज़र, हमने अंडरटेकर की हालत पूरी की पूरी खराब करके इस केज से बाहर निकल गए और ये खतरनाक सा मैच भी जीत चुके हैं और वो खतरनाक सा मेंशन भी। तो चलो फटाफट से देखते हैं हमारा वो खतरनाक सा मेंशन कैसा दिखता है। तो गाइज़र, अभी हम जा रहे हैं अपने नए वेंचर पर लैंड होने, और यहाँ पर लैंड हो गए। हमें एक खतरनाक सा हेलीकॉप्टर भी मिला है, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा सिर्फ मेंशन मिलेगा, पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी मिल चुका है। इस हेलीकॉप्टर को हमने पार्क पे लगा दिया और हम अपने नए वेंचर पर आ चुके हैं। सबसे पहले अंदर घुसते ही बड़ी सी पार्किंग और साथ में ये बढ़िया सा स्विमिंग पूल हमें यहाँ पर मिलता है। अरे अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? इस गेट से अंदर जाने का रास्ता, और देख सकते हो पियानो, पूल टेबल, और ये अंकल कौन है? और यहाँ पे अपने बढ़िया सा बार, सोफा, सबका सब चीज यहाँ पर खतरनाक सी बनी हुई है। नीचे बास्केटबॉल कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, सारी की सारी चीजें इस मेंशन के अंदर दे रखी है जो भी हमें चाहिए होती है, जैसे कि बेडरूम, एक खतरनाक सा जिम, वो भी बड़ी सी टीवी के साथ, हमें मोटी सी आंटी काम कर रही है, और यहाँ पर हमारा बढ़िया सा बाथरूम, एक ऑफिस, एक और बेडरूम, और एक बड़ी सी पार्किंग स्पेस जहाँ पर बहुत सारी सुपर कार्स खड़ी कर सकते हैं। ये मेंशन मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगा, आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर कैसा आपको लगा था इस मेंशन में सिर्फ इतना ही है, तो नहीं, यहाँ पर हमें खतरनाक सा मूवी थिएटर मिल सकता है जहाँ पर हम स्पाइडरमैन भी देख सकते हैं। तो कैसा ये मेंशन इतना खतरनाक है, सोचो वो फ्लाइंग मेंशन कितना खतरनाक होगा। तो अभी हम जाने वाले सीधा उस फ्लाइंग मेंशन वाले चैलेंज पर। वो फ्लाइंग मेंशन एक बार मैं जीत लूं फिर तो हमारे मैच होने वाले। तो अगर आप चाहते हो मैं वो जल्दी से जल्दी जीत लूं, तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन, और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हम चलते हैं उस फ्लाइंग मेंशन को जीतने। आ रहा हूं मैं। फ्रैंकलिन, तुम्हारा स्वागत है आखिरी चैलेंज पर। अगर ये तुम चैलेंज जीतते हो तो तुम्हें मिलेगा वो खतरनाक सा फ्लाइंग मेंशन। अब मैं तुमको बताता हूँ ये चैलेंज कितना हार्ड है। इनमें से कोई भी गाड़ी लेनी है और इन सारी बॉल्स को गिराते हुए जाना है इस खतरनाक से रोड पर, सारे ऑब्स्टिकल से बचते बचते जाना है, और फिर यहाँ पर गाड़ी चेंज करके अपनी गाड़ी को भगाते 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 सारे ऑब्स्टिकल क्रॉस करते करते जाना है, और यहाँ पर फिर बाइक्स लेनी है, और बाइक्स लेने के बाद ये खतरनाक सा कोर्स कंप्लीट करके नीचे जाके इन सारी मछलियों के ऊपर से जंप करके तुम्हें लेनी पड़ेगी बोट्स, और बोट्स के बाद सारे ऑब्स्टिकल क्रॉस करते 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 तुम पहुंचोगे फिनिशिंग लाइन पर। मुझे लगता नहीं है तुम पहुंचोगे, पर अगर पहुंच गए तो फ्लाइंग मेंशन तुम्हारा होने वाला है। और कैसर, ये चैलेंज सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, पर मैं इस चैलेंज को कैसे भी करके करके रहूंगा।
कंप्लीट तो हम इसको कैसे भी करके रहेंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आखिरी बार कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन, ताकि हम जल्दी से जाके इस चैलेंज को जीत जाएं। तो चलो फटाफट से नीचे चलते और हमारा चैलेंज होता है यहाँ पर शुरू। यहाँ पे तो आराम से नॉर्मल ज्यादा कुछ हमको करना ही नहीं है, पर आगे जाके जो खतरनाक ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनसे हमें जरूर बचना पड़ेगा। इधर से बीच में से निकलेंगे, किसी से भी मैं टकराऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर टकराया, अगर कुछ भी हुआ, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो सीधा नीचे के पानी में गिर जाऊंगा और मैं हो जाऊंगा डिस्क्वालीफाई, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं होना। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, इन सारे बर्गर्स को उड़ाते। और गाइस अभी सबसे पहला फेज कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर हमें मेरी गाड़ी चेंज करनी है, यहाँ पे पैदल जाएंगे और सामने अपनी खतरनाक सी गाड़ी चेंज करेंगे। तो गाइस अभी तक लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, ये आखिरी मौका है लाइक और सब्सक्राइब करने का। और यहाँ पर तो अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, ये स्पाइडरमैन वाली गाड़ी भी है, पर ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं एक खतरनाक सी मॉन्स्टर ट्रक लेने वाला हूँ और इसको फटाफट से लेके चलते सीधा ऊपर, चढ़ाते इस पहाड़ पर, पहाड़ जैसे रोड पर, और हम आ गए ऊपर। तो गाइस इन फ्लैग से हमें टकराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सीधा जाएंगे और इस ऑब्स्टेकल्स को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर एक खतरनाक सी बोलिंग पिंस आ चुके हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड में से निकल देंगे तो ठोक देखूंगा, ये इसको तो हमने गिरा दिया। तो गाइस अब ये खतरनाक सा हमें जंप करना है जहां पर बोलिंग पिंस ऊपर नीचे कर रही है, तो हमें सही टाइम पर जाना पड़ेगा जब ये कुछ भी नहीं कर रही। और ये क्या ही जंप किया है, मैं पानी में चला जाऊं, आराम से लैंडिंग भी हो चुकी है। तो गाइस हमारी लैंडिंग हो गई बिल्कुल ढंग से और यहाँ पर भी हो चुकी है, अब हमारी वापस से गाड़ी चेंज करने का टाइम हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं बाइक्स पे। तो ये हमारी तीसरी व्हीकल होने वाली है आज के चैलेंज की, एक बार मैं ये चैलेंज जीत जाऊं फिर वो खतरनाक सा उड़ता हुआ मेंशन मेरा होने वाला है, ट्री हाउस मेरा हो गया और वो लग्जरी मेंशन भी, अब बस मुझे उड़ने वाला मेंशन चाहिए, उसके लिए हम ये चैलेंज कर रहे हैं। तो फटाफट से चलते जाते हैं और हमें ये चैलेंज बस करना है कंप्लीट, इस प्लेन से खुदा लेंगे नीचे। और गाइस आप देख सकते हो हमारे वापस से गाड़ी चेंज करने का टाइम होने वाला है, अब हम जाने वाले बोट्स पे ये आखिरी जंप करके। फटाफट से ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, और बच गई, मुझे लगा सीधा पानी में चली जाएगी, फिर मैं जंप कैसे करता इन खतरनाक सी मछलियों के ऊपर से, ये डॉल्फिन है कि व्हेल, आपको क्या लगता है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। अपन अपनी गाड़ी मुड़ाएंगे और यहाँ पर रन अप लेके इन सारी मछलियों के ऊपर से अपनी गाड़ी खुदा लेंगे। और गाइस अभी हमें हवा में अंदर और हम लैंड करने वाले सीधा बोट्स के पास, ये चैलेंज तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जा रहा है, ये आखिरी व्हीकल हमें चेंज करनी है, इसके बाद सीधा फिनिशिंग लाइन है, पर बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, मेरे और उस फ्लाइंग मेंशन के बीच में बस ये 3-4 ऑब्स्टेकल्स हमें पार करने, वो फ्लाइंग मेंशन होने वाला है मेरा। तो फटाफट से चलते हैं और सामने फिनिशिंग लाइन मुझे दिखने लग गई है, क्या हम वहां पे पहुंच पाएंगे, जरूर पहुंच के रहेंगे, बस 3 और ये 2, ये क्या हो गया, हम अपनी बोट से गिर गए, पर कोई बात नहीं, हम बहुत ही ज्यादा पास थे इसलिए हम सीधा इसके ऊपर आ चुके और ये रही फिनिशिंग लाइन, हम इस पर पैर रखने वाले, 3-2-1 गो। और गाइस आप देख सकते हो हम फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने तीनों के तीनों चैलेंजेस कंप्लीट करके तीनों चैलेंजेस जीत लिए और तीनों घर भी, चलो चलते तुम्हारे फ्लाइंग मेंशन पर। उससे पहले मेरे कपड़े गीले हो गए तो मुझे कपड़े चेंज करने, फिर हम चलेंगे अपने फ्लाइंग मेंशन पर। तो गाइस अभी अपने फ्लाइंग मेंशन पर फ्लाई करते करते बढ़िया सी लैंडिंग करने वाले सीधा स्विमिंग पूल के अंदर। और गाइस आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लाइंग मेंशन पर, ये पूरा का पूरा मेंशन इन फैंस की वजह से उड़ रहा है, इसके चारों तरफ खतरनाक फैंस लगे हुए, जो कि इस मेंशन को हवा में उड़ाना, मैंने अभी कांच तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमारे इस फ्लाइंग मेंशन पर है ये खतरनाक सा स्विमिंग पूल विद खतरनाक सा जिम। पहले बाहर देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पर टेबल टेनिस की खतरनाक सी टेबल है, हमारे पास जिम है और यहाँ पर पार्टी करने का बढ़िया सा एरिया है, बाहर भी टीवी लगी हुई है, पीछे हमारे फैन चल रहे हैं, यहाँ पर बैठ के हम पूरे के पूरे धूप का मजा ले सकते हैं, और यहाँ पर खतरनाक सा प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है, और प्राइवेट हेलीकॉप्टर के साथ ये खतरनाक सी बाइक भी है जो कि हवा में उड़ती है, ताकि हम कभी भी नीचे जाना चाहे तो नीचे जा सकते हैं।
सकते हैं। और यहाँ पर एक और हवा में उड़ने वाली बाइक है और पानी के अंदर एक खतरनाक सा रेस्टोरेंट भी बना रखा है, यहाँ पर आराम से खाना पाना खा सकते हैं। इनको छोड़ो, अपन चलते हैं सीधा अंदर। ये हमारा खतरनाक सा मेंशन, इसमें है ये बड़ा सा टीवी, बड़ा सा सोफा और ये बंदर यहाँ पर क्यों सो रहा है? ए बंदर उठ जा। और इस साइड बिल्कुल सेम, बड़ा सा टीवी, बड़ा सोफा, ये बिल्कुल एकदम पार्टी मेंशन है। यहाँ पर फुल पार्टियां कर सकते हैं, पर लोग ऊपर कैसे आएंगे? नहीं, पर लोग कैसे ऊपर आएंगे वो मुझे पता नहीं। यहाँ पर अपना किचन है, डाइनिंग टेबल, ये अपना बढ़िया सा बाथरूम, यहाँ पर भी बंदर। लगता है यहाँ पर सारे के सारे बंदर रहते थे, पर अब मैं आ चुका हूँ तो मैं रहने वाला हूँ। तो अब चलते हैं ऊपर और वो बंदर वहाँ पे सफाई भी कर रहे हैं, मैंने अभी देखा। और यहाँ पर एक और बड़ा सा टीवी और एक और बड़ा सा सोफा, और यहाँ पर ऊपर एक और जिम बना हुआ है, एक जिम नीचे एक जिम ऊपर, और यहाँ पर भी टेबल टेनिस की टेबल है, और यहाँ पर बढ़िया सा स्विमिंग पूल, फुहारा लगा हुआ है, फाउंटेन, फुल मजे कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठ के भी पूरा चिल कर सकते हैं, पूरे लॉस सैंटोस के व्यू ले सकते हैं। और हमारा बेडरूम है बिल्कुल जस्ट सामने, यहाँ पे रात को सोने में कितना मजा आएगा, पूरे लॉस सैंटोस तारों का व्यू आएगा, और यहाँ पर बड़ी सी टीवी। तो गाइस सर, ये घर सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तीनों में से सबसे ज्यादा घर आपको कौन सा अच्छा लगा, फटाफट से कमेंट करके बता देना, मुझे तो यही सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस सर, हम उड़ाने वाले यहाँ पर फ्लाइंग बाइक, आप भी जाओ फ्लाइंग बाइक, उड़ो, खुद उड़ो, कुछ भी करो। तो गाइस सर, आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं चलेगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस सर, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन और फॉलो करना, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।